हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र अहमता एसएमएस इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज हम आए हैं माँ नागनीची जी के दर्शन करने के लिए। नागनीची जी माँ जो राठौड़ वंश की कुलदेवी है, साथियों यह बाड़मेर के कल्याणपुर के पास में नागाना गांव जो कि है वहाँ पे नागनीची माता का मूल मंदिर स्थित है। तो साथियों अपन चलते हैं, आप भी देखो माँ नागनीची जी का जो मंदिर है उसको, ठीक है। आपके लोक देवियाँ उसमें नागनीची जी माता को राठौड़ वंश की कुल देवी के रूप में अपन पुस्तकों में पढ़ते हैं। साथियों आज मैं आपको उस मंदिर से रूबरू करवाता हूँ, चलिए देखें आगे। ये साथियों एंट्री गेट है, चलते हैं अपन। सामने सूर्य पड़ रहा है इसलिए साथियों साफ तो थोड़ा कम दिखता होगा, फिर भी चलते हैं अपन आगे जो मूल मंदिर है वहाँ पे। साथियों ये जो मंदिर बाहर जो बना रखा है ये क्या है कि साथियों कोरोना काल के कारण बाहर बना रखा है इनको, ताकि लोग बाहर ही पूजा करके और चले जाए। तो इस हिसाब से ये एंट्री गेट जिसको प्रोड़ कहते हैं, ये प्रोड़ है माता जी। चलते मंदिर की तरफ चल रहे हैं। साथियों यहाँ पे धर्मशाला भी बनी हुई है जहाँ के लोग रुकते भी है नाइट होल्ड के लिए। ये सारी शॉप है, अभी कोरोना कारण इसको बंद कर रखी है। फ्रेंड्स ये माता जी के जो एंट्री होती है तो यहाँ पे हाँ प्रसादी वगैरह चढ़ाते हैं। अभी तो क्या कोरोना चल रहा है इसलिए साथियों ये सारी चीज़ें अभी बंद कर रखी है। वहाँ नागनीची जी का जो जहाँ पे हवन वगैरह होती है वो स्थान है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाई जाती है। हाँ जी साथियों, ये माता जी का जो मूल मंदिर है वो है, अभी मंदिर भी जो मंदिर निर्माण कार्य वो चल रहा है अंदर। चलते हैं अंदर। ये मंदिर है, ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह है साथियों। अभी तो पट बंद है। अच्छा खुले है क्या पट? ये साथियों माँ नागनीची जी का मूल जो प्रतिमा है, माँ नागनीची जी राठौड़ वंश की कुलदेवी है। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ है साथियों, परिक्रमा करने के लिए आप भी आना माता जी के चारों तरफ परिक्रमा। राठौड़ वंश की कुल देवी श्री नागनीची माता के मंदिर अपन आए हैं। मेरी बहुत ज्यादा श्रद्धा जुड़ी हुई है स्टूडेंट, आप भी कभी पधारना माता जी के मंदिर। सब बस हेलो स्टूडेंट्स, अपने सामने माँ नागनीची जी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री उमेश सिंह जी अराबा। अध्यक्ष नहीं, मैं ट्रस्ट में ट्रस्टी हूँ और ट्रस्ट में मैं सेक्रेटरी हूँ। अध्यक्ष हमारा जोधपुर जी और मैनेजमेंट है उसका अध्यक्ष जी उमेश सिंह जी अराबा सर, जो कि माँ नागनीची जी के बारे में बताएंगे। माँ नागनीची जी का जो स्टूडेंट्स अपन पढ़ते हैं मूल मंदिर बताते हैं, कुछ पुस्तकें बताती है और जो कुछ टीचर्स बताते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर की मंडोर के अंदर जो मूल मंदिर है, तो आज सर इसका कंफ्यूजन क्लियर करेंगे और माँ नागनीची जी की मान्यता मंदिर की स्थापना इसके बारे में समस्त बातें करेंगे। हाँ जी सर, आदेश करें सर। नमस्कार,
उमेश सिंह आराबा, मैं यह मैनेजमेंट जो है उसका अध्यक्ष हूँ और ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मैं सेक्रेटरी हूँ। ये मंदिर राठौड़ वंश की कुल देवी का मंदिर है जो 800 साल पुराना मंदिर है। यहाँ तक कि पूरे संसार में और भारत में राठौड़ वंश की कुल देवी का मुख्य धाम नांगाणा ही है। कई लोग वैसे से बातें करते हैं कि अन्य जगह है, या जैसे मंडोर की बात करते हैं, मंदिर में मंडोर में नांगणी शिव का मंदिर है ही नहीं। राठौड़ वंश के कुलदेव हैं जो वो क्या नाम है, भैरू जी का वहाँ स्थान है, जो लोग यहाँ नांगणी शिव का दर्शन करने के बाद वहाँ भैरू जी के दर्शन करने के लिए वहाँ मंडोर जाते हैं। बाकी जहाँ भी मंदिर है वो उस नांगणी शिव माता के मंदिर नांगणा की शाखा है। मुख्य धाम यही है जो 1362 के अंदर इसकी स्थापना यहाँ रावदूर जी ने, उस समय मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने यहाँ इस माँ की स्थापना यहाँ की थी। ये पूर्व भारतवर्ष का मुख्य धाम नांगणी माता का मंदिर नांगणा जिला बाढ़ में राजस्थान में। सर, मंदिर में जो मूर्ति बनाई जाती है स्पेशल माँ नांगणी जी की, वो किस पेड़ की बनाई जाती है? आज तक जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी तक इस बारे में कंफ्यूज है कि माँ की जो मूर्ति है वो उसका क्या रूप है, किसके ऊपर सवारी है, इसके बारे में अध्ययन चल रहा है। हमारे ट्रस्ट ने एक अलग कमेटी बना रखी है, वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक जानकारी में नहीं आया है, अभी गत साल ये जानकारी मिली है कि मैसूर में, यानी पहले राठौड़ों का राज दक्षिण भारत में था, तो वहाँ मैसूर स्टेट के अंदर एक छोटा गाँव है जहाँ नांगणी शिव माता का मंदिर था, वहाँ से ऐसा पता चला है कि मूर्ति वगैरह के बारे में पूरा पता चल सकता है कि माँ किसके ऊपर सवार है, हाथी के ऊपर सवार है या मतलब शेर के ऊपर सवार है, वो अभी तक इसका पूरा खंड हुआ नहीं है। बाकी यहाँ जो मंदिर है, ये स्थापित मंदिर जिस समय रावदूर जी ने किया था, उसमें 10 मिनट के बाद में एक आवाज के साथ में ऑटोमेटिक ये जो वर्तमान मूर्ति है, और ये ऑटोमेटिक मूर्ति आई हुई जमीन से निकली, हाँ जमीन से आई हुई। कुल वृक्ष नींब है राठौड़ा का, तो ये नांगणी से जिस समय स्थापित हुई उस समय नीम के पेड़ के नीचे स्थापित हुई थी यहाँ नांगणा। उसके बाद में ये मूर्ति ऑटोमेटिक मूर्ति आई, उस दिन से लेकर के पूरा यही है प्रचलन है कि जो नीम का वृक्ष है वो राठौड़ वृक्ष का कुल वृक्ष है, इसलिए इसकी लकड़ी वगैरह कोई काम में नहीं लेते हैं। माता जी के उपयोग के लिए ही लकड़ी काम में ली जा सकती है, बाकी अपने घरों में वगैरह में कहीं जलाते नहीं इस लकड़ी को, क्योंकि राठौड़ का कुल वृक्ष है। माता जी की अन्य जो मूर्तियां बनती है वो नीम के पेड़ की ही बनती है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ लोग जो भी बनाते हैं लोकल लोग वो नीम के बनाते हैं, बाकी कहीं पे मूर्ति नहीं बनती। मकरण की मूर्तियां जरूर बनती है, जो कई जगह अभी लोगों ने मंदिर स्थापित किए हैं अपने गाँव में या और कहीं, तो वो मकरण की मूर्तियां बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्रीमान उमेश जी अरावा प्रधान जी, माँ सबको नागाणी माता किताब भेंट करते हुए, नागणी चीज माता नारायणी माता लोर पे है, नागणी चीज माता मंदिर, नागणी चीज माता मंदिर की पूरी हिस्ट्री ये पुस्तक है। फ्रेंड्स, तो अपन ने माँ नागणी चीज के मूल मंदिर के दर्शन किए, और मैंने ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए, क्योंकि अधिकतर जो गुरुजन है वो सबसे मूल मंदिर है वो माँ नागणी चीज का बताते हैं कि मंडोर के अंदर है। तो साथियों, इस चीज़ का आज वेरिफिकेशन हो गया है, क्लियरिफिकेशन हो गया है ना, क्योंकि जो आपके माँ नागणी चीज के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है श्रीमान उमेश सिंह जी, और उन्होंने भी इस बात को, और मेरे पास में एक पुस्तक जो उन्होंने भेंट की है वो पुस्तक है, तो मैं इस पुस्तक के माध्यम से आपको और ज़्यादा ये क्लियर कर सकता हूँ। इससे बेस्ट तो साथियों कोई अपने पास में क्लियर करने के लिए कुछ नहीं हो सकता। साथियों, ये है माता जी की तोड़, तो अभी वीडियो को विराम देते हैं। साथियों, अपने दर्शन हो गए हैं, और मेरे साथ में हैं कल्याणपुर थाने के साथियों, पुलिस विभाग के विनोद जी सिंसिनवाल चौधरी है भरतपुर से, महाराजा सूरजमल जाट के वंशज। साथियों, हमने माता जी के
मंदिर के आपके दर्शन कर रहे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना। तो साथियों, आपको ये भी मैंने क्लियर कर लिया है कि माँ नागणेश जी का जो मूल मंदिर है वो नागाणा के अंदर ही है। और साथियों, ये आपके माता जी का प्रतिमा जो चढ़ावा बाहर ही हो रहा है साथियों, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और साथियों, विपत्ति पड़े तब माँ नागणेश जी को एक बार मेरे कहने से ही स्मरण करना। आपका यदि काम नहीं सफल हुआ तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, 100% आपका काम सफल करने वाली माँ नागणेश जी। मुझे भी मैया के आशीर्वाद से बहुत कुछ हासिल हुआ है और आपको भी होगा। थैंक यू सो मच। जितेंद्र अयंपा को दीजिए अनुमति। धन्यवाद स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।